गाय काटने के बाद क्या हुआ? आज गाय काटने के बाद क्या हो रहा है ये देखिए, गाय का गोश्त खा रहे हैं। सॉरी आप सबके लिए, सॉरी बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबसे मैं बहुत मज़ा करता हूँ कि सुबह के दिन में नमाज से पहले मैं नमाज के बाद मिल पाया, जैसे मैं काम बहुत होता है जान में वो काटना बटा था, लेकिन मेरे तो इतना काम नहीं था, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं मिलना, कभी वो करना है, कभी ऊपर आना, कभी रस्ती ला रहे, कभी ये करना है, तो और भूल भी गए थे मेरे साथ। तो अभी अगर मैं फारिग हूँ, मैं सुकून से बैठ के हमने खाना खाया यहाँ पे, और जैसे खाना आया तो खाया तो याद आया कि आप लोग बकराई में चिकन की लेग नज़र आ रही, ऐसा क्यों? नहीं वो गोश्त यहाँ पे बिरयानी खा ली मैंने गोश्त की, लेकिन ये वो सिंगर ब्रोश था ना तो वो खाया। क्या सर हिटी मेरे पास ये मुजम्मिल ने खाई है जी, जो तुमने खाई है मुजम्मिल हड्डी को मैंने से भी खाई है, मुजम्मिल से मैंने से भी सिंगर ब्रोश खाया है। तो आज मैं सो आई ना, तो इवन मां वो तेरा नहीं करे ना, ओ मैंने देखा था मुजम्मिल देखेगा नहीं करेगा। अच्छा मैं भी बहुत अफसोस कर रही हूँ कि रात क्यों हुई, वो रात में मज़ा नहीं आता बकरीद में, और सुबह बहुत मज़ा आता, घूमते लोग जाते चले। गाय ना चली गई आपकी? गाय तो सुबह हो गई, गाय को सुबह कर दिया आज ही। कज़न वज़न आए थे आपके, मज़ा आया पार्टी के? रोए थे? रोए गाय काटने पर? नहीं रोई। और कौन कौन रोया? कोई तो रोया, कोई तो रोया, कोई तो रोया, और जो खा रहा है अभी गोटियाँ उसकी वो रो रहा था। रोने से गोश्त का क्या तो चलो सही हो रहा था ना, मुझे देखो तू गोश्त क्यों नहीं खाए, मुझे खत्म आ चुका था। अच्छा तुम गाय खत्म, बात खत्म, बस काटा भाग। तो गाइस मैं तुम्हें आपको ये बता रहा था कि मुझे सोच आ रहा है कि आपको से शेयर करूंगा, पहले ओप्पो लिया ना तो ना उनसे गूगल की आईडी नहीं बननी थी। किसने लिया वो? तो गाइस लुकमान के डैड को, उनकी मम्मा को डायरेक्ट बोला तुम्हारे नाम शेयर करनी थी, तो प्लीज़ वीडियो बनाए मेरा शेयर करें। तो गाइस आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा लगा, और हम लोगों ने खाना तो खा लिया, मेरे पेट भर गए, हमने ज़्यादा नहीं खाई क्योंकि मेरे पेट भर गए। और ये क्या है? रायता? ये रायते की रेड मर गई, और ये ब्रोस्ट है, और ये नीचे तो प्लेटें निकलनी है, ये नीचे जो कुछ भी हमने खा लिया ना वो नीचे रखते हैं यार हम लोग। अच्छा ये भी नीचे नहीं। अच्छा ये वाला ब्रश मैंने खाया था यहाँ पे, ऑसम। और मेरा कजन भी आया था, मैंने उससे मिलवाना भूल गया। वो बूटी बनाई थी हम लोगों ने, पार्टी वार्टी करी मैंने, बस भी आएंगे परसों रात हम कर रहे हैं दाल की वीडियो, तो कल मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। उनके अगर रुक दो मैं आपको बनाऊंगा, बाय पानी काफी अच्छी लग रही है। और गाइस मैं डू पी यू बना दो ना इसको थोड़ा सा, तो भाई साहब आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग घर में क्या बना है, तुम्हारे घर में क्या बना है पहले ये तो बता दो। हमारे घर में बना है, अच्छा जो सुन्नत होती है कलेजी जरूर बनानी पड़ती है, और सबसे पहले कलेजी खानी चाहिए, वो तो कलेजी बनी हमारे घर में, और नहीं खाती बिरयानी बनी है, इतनी मज़े की होती कलेजी, कलेजी बनी और बिरयानी बनी है, और भाई पार्टी हो रही है ऐसे एक दिन से देनी पड़ेगी। हाँ नहीं कर, आज एक वाहिद दिन है, अर्शा ने एक चीज़ भी कोल्ड ड्रिंक सब शेयर कर सकते इजीली, इसे भी दे दो खाया जाता।
कभी कभी पिलाऊंगी। तो गाइस आप कमेंट जरूर बताइए कि आपके घर में क्या पका है, मतलब बच्चों को क्या क्या पका है वगैरह। अच्छा बिरयानी पकी है और सिंगल ब्रोज पका था और क्या कहते हैं और हाँ और कुछ नहीं और आपके और टिक्के तो हमने अलग से बनाए थे अपने लिए। और वो गाइस आप जरूर कमेंट बताइए कि आपको पसंद है कि नहीं। और गाइस बताइए कि आपको आपने घर में क्या क्या बनाया और आपने ईद उल अजहा में इस दिन इस ये दिन बहुत काफ़ी अच्छे सुनत बिरयानी में आपने क्या हलाल किया। तो इसी के साथ लास्ट गाइस वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और चले गाइस अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।